सिंहपुर रोड पर खुले एलपी डील शॉपिंग मॉल में ग्राहकों को ऑफर का लालच देकर बुलाया जाता है और धोखाधड़ी की जा रही है। वहीं ग्राहकों के द्वारा बताया गया कि शॉपिंग मॉल के कर्मचारी द्वारा उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया। यहां पर कुछ लोगों का कहना है कि शॉपिंग मॉल में जो भी ऑफर चल रहे हैं उसकी एक सूची बनाकर बाहर लगाना चाहिए, जिसमें ग्राहकों को पता रहे कि किस सामान पर कौन सा ऑफर चल रहा है। वहीं अप्रत्याशित और अनुचित बिलिंग, ऑफरों की नकली प्रदर्शनी और कर्मचारियों द्वारा अनुचित व्यवहार का सामना ग्राहकों को करना पड़ रहा है। इस अनैतिक और अवैध कार्यवाही के खिलाफ ग्राहकों को अपने अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है। अब आगे यह देखना है कि खुले में चल रही लूट पर जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है। मैडम, इनका पेमेंट वापस कर दिया, आप सामान नहीं ले रहे। सर, एक मिनट, आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? मैं वीडियो मीडिया से हूँ ना, मैं तो वीडियो तो बनाऊंगा ना। भाई भाई भाई, बता रहे हैं उनका वो सामान नहीं ले रहे, पेमेंट वापस कर दिया। उनको सामान नहीं जम रहा है, आप पेमेंट वापस करिए उनका। चार का बता दीजिए आप। उनको सामान नहीं लेना, पेमेंट दीजिए आप वापस। वो ये ले रहा ना, दो मैंने कितने हुए? और दो ये ना लिया, ये लो दो, एक तो लिया और दो इसके। मैडम, पैसे वापस करवाइए उनको। भाई भाई, क्या दिक्कत है भाई साहब आपको? एलपी डील में आया, बोले कि चोरी करें, बोले अपन ने बोले। अच्छा, नहीं तो वो उनका नंबर वो कर लिया ना, वो पार्किंग वाले फोन पे फोन लगा दिया, उनका नंबर दे दीजिए बस। आप क्लास के बाहर लिख दीजिए कि हां एक सामान से ज्यादा एक एक आइटम सर आइए। अच्छा, हां ठीक है। सर के पास 5 बॉडी लोशन थे, वही देना है, और 3 जो है लेकिन आपके पास ये जो है वो